आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे उन लोगों को, हमारे उन आर्टिस्ट्स को मदद मिलेगी जो बिना देखे बनाने से थोड़ा सा एतराज करते हैं, लाइक जिनको बनाने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहला ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आपको एक अनबिलीवेबल तरीका बताता हूँ। हर किसी दोस्त ने ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स के बारे में तो हर कोई जानता है, ए से लेकर जेड तक हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इन्हीं में से कुछ अल्फ़ाबेट्स को हम पिक करेंगे और उनकी हेल्प से हम कुछ कर्व्स बनाएंगे, एंड देन उससे जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये वो तरीका है जिससे सुई से लेकर जहाज तक आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इनमें से कुछ सम ऑफ जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ये हैं, ओ, ओ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अल्फ़ाबेट है। इससे इसको बनाने के बाद या इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, लाइक एक बारी में आप कितना अच्छा ओ बनाते हो या सर्कल बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, आप तो देखोगे इसका बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे आर्ट की लाइफ में। आप कभी भी आर्ट बनाएंगे या आप कभी कोई कार्टून बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हो, सर्कल का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर्कल जो है एक कॉन्टेंट माना जाता है हमारे आर्ट की दुनिया में, हम इसको ओ भी ले सकते हैं। ओ के बाद आता है यू, यू से हमारा बनता है यू कर्व, मैं आपको कर्व्स के बारे में अभी बताऊंगा। और इसके बाद हमारा बनता है एल, एंड देन यस एस, डब्ल्यू, ओके डब्ल्यू एंड एम एंड सी, एंड देन I guess that's all. Okay. A. The most important is A. I forget A. And these are 6 or 7 alphabets. We take these to make our drawing happens without having any references. And I will be teaching you some of basics, very basic things. Okay, let's take V also. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 alphabets are there. Okay, so let's see what we make from, what comes out from these alphabets. Like U se hamara banta hai U curve. Ye U hai, friends. Isse banta hai hamara U curve. Okay. ये है हमारा सी, सी से हम बनाते हैं सी कर्व। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, दोबारा से देख लें एक बार। यू, यू से हमारा बनता है यू कर्व, इसे यू कर्व कहते हैं, ठीक है। और इसका अपोजिट यू कर्व, ठीक है। एंड देन सी, सी से हमारा बनेगा सी कर्व और इसका अपोजिट सी कर। इसके अलावा ओ, ए एंड वी, यू, ये सब यूज होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो हमारे ये चार कर्व्स यूज होते हैं। और आप पांचवा कर्व ले सकते हो एस कर्व, जो एस से बनता है हमारा, इसे कहते हैं एस कर्व। ये जो मेथड्स हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप डिजिटली बनाएंगे तो ही काम करेंगे, आप पेंसिल से, पेपर पे लेकर, पेन से लेकर आप किसी से भी बना सकते हो। आप ध्यान देना, आप जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर देगा कि बिना रेफरेंस के आपको किस तरह से बनाना है। जो भी मैं बेसिक बताऊँगा उससे आप, चाहे आप जानवर बना रहे हैं, आप बनी बना रहे हैं, आप बियर बना रहे हैं, आप कोई किड बना रहे हैं, आप कोई कैरेक्टर बना रहे हैं, कुछ भी जो आप बनाते हो सब इन सब से निकल के आएगा। अच्छा, लाइक सपोज हम बनाते हैं एक बियर, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जूम, एंड देन ये कौन सा कर्व है, जी हाँ ये अपोजिट यू कर्व है, एंड देन सी कर्व बनाएंगे हम, एंड देन अपोजिट सी कर्व बनाएंगे, अपोजिट यू कर्व एंड
U curve, then हम बनाएंगे C curve and then again opposite C curve. तो जो भी मैं अभी बना रहा हूँ ये rough drawing है, हम basics बनाते हैं, basics हमारा totally rough पे depend करता है और अगर हम rough बनाना सीख लेते हैं तो उसको fair करना, उसको अच्छा बनाना, उसके बाद उसका उसको अच्छे से दिखाना, एक एक stroke पे हम individually काम कर सकते हैं और आप देखोगे हमारा जो art है उसका जो result है बहुत बढ़िया निकल के आता है. तो चलें आगे. अच्छा यहाँ पर ये चार कर्व हमने बना लिए, राइट. अब हम बनाएंगे इसको, आप ए भी कह सकते हो या अपोजिट यू भी कह सकते हो. मैं बिल्कुल तीन कर्व से बना रहा हूँ दोबारा से. एंड देन अगेन आई विल ड्रॉ थ्री कर्व्स हियर. ओके, सी कर्व, अपोजिट सी कर्व एंड देन सी कर्व. अब मैं अगेन अपोजिट सी कर्व एंड देन सी कर्व बनाऊंगा और अपोजिट यू कर्व से इसको क्लोज कर दूंगा, राइट. अब देन अगेन अपोजिट सी कर्व एंड देन सी कर्व. आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, छोटा भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके का बियर बना रहे, राइट. तो जैसा कि आधे उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी शेप निकल रही है. अब हम यहाँ पे बनाएंगे ओ एंड देन अगेन एक ओ ओवरलैप करता हुआ बना सकते हो, थोड़ा सा इंडिविजुअल भी बना सकते हो, दूसरे वाले ओ से बड़ा भी बना दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इन कार्टून्स इन एनिमेशन हम सीरियस ड्राइंग नहीं करते. हम सीरियस ड्राइंग जो भी होती है उससे थोड़ा सा हट कर ड्राइंग करते हैं सो दैट हमारे जो आर्ट है थोड़ा ईजी हो जाए, थोड़ा सा क्यूट हो जाए लाइक. तो इसके अंदर हम दोबारा से सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन अगेन ड्रॉ सर्कल. ओके, अगेन एक सर्कल और हम इसको फिल कर देंगे. अभी जो भी बना रहे हैं हम रफ बना रहे हैं. अब यहां पर आता है हमारा डब्ल्यू. डब्ल्यू को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे. यहाँ पे यही खेल है कि आप भी जो भी अल्फाबेट्स बनाते हैं उनको थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग. आपके जो करेक्टर है उस पर आप क्या शेप दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, कितना बड़ा बना रहे, कितना छोटा बना रहे, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे इनको, आप देखोगे. एंड अगेन यू कर्व. तो ये बियर का फेस यहाँ पे अपीयर हो रहा है. यहाँ पर आप अब दोबारा से यू कर्व बनाएंगे हम. U curve and then यहाँ पे L लेंगे हम. L अब आपका L alphabet यहाँ पे काम करेगा. ये देखिए ये L यहाँ पे ही रहा और ये L alphabet में यहाँ पे बना रहा हूँ. बस हम यहाँ पे उसको curve पे लेंगे. अपोजिट C curve and then U curve मिलके बनता है L. आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको. अब इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और यही सेम मेथड हम यहाँ पे करेंगे. यहाँ पे अपोजिट और यहाँ पे C curve and then U curve. तो अपोजिट L बना दिया और यहाँ को उस यहाँ पर सेम जैसे पीछे हमने क्लोज किया था इस तरह से हमने क्लोज कर दिया. अब बारी आती है इनके हाथ की. हाथ के लिए भी हम अगेन अपोजिट सी कर्व एंड देन यू कर्व. आप देखिए यहाँ पर हमने सी कर्व को लंबा लिया है और यू कर्व को बहुत छोटा लिया है. जैसा कि मैंने बताया कि हम शेप्स वही लेंगे, अल्फाबेट्स वही लेंगे, लेकिन उनकी शेप थोड़ी सी मैनिपुलेट कर देंगे, इससे हमारा रिजल्ट और अच्छा निकल आएगा. तो हमें जो लर्न करना है बेसिकली, जो आइडिया हमें लेना है वो ये लेना है कि हमारे अल्फाबेट्स को हम किस तरीके से मैनिपुलेट करें कि हमारी शेप और ज़्यादा अट्रैक्टिव निकल जाए. लाइक यहाँ पे मैं अगेन सी कर्व बनाऊंगा एंड देन यू कर्व से इसको क्लोज करूंगा और ये हमारा टेडी तैयार हो गया. आप यहाँ पे एक और यू कर्व भी बना सकते हो ऊपर टेडी के लिए. और एल्स अब ये काम और कर सकते हो यहाँ पर, जैसे डोरीमोन में होता है, कुछ भी होता है, यहाँ पॉकेट डाल सकते हो, वो भी क्यूट लगेगा. यू कर्व एंड देन अपोजिट सी कर्व. तो ये भी आपका कैरेक्टर तैयार है. अगेन आप यू कर्व बना सकते हैं एक मफलर बनाने के लिए. टेडी को मफलर पहना सकते हैं. दो तीन यू कर्व बना दिए और अगेन यू कर्व बनाया. तो ये आपका कैरेक्टर तैयार हो गया. यही जो बेसिक्स हैं आपके, ये सिर्फ बियर बनाने के काम नहीं आता है. इन्हीं बेसिक्स के बेस पे आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो. लाइक इसको अभी मैं साइड में रख रहा हूँ. इन्हीं बेसिक्स से मैं आपको और कुछ भी बना सकते हैं. लाइक हम एक फॉक्स बनाते हैं
वही मेथड है अपोजिट यू कर्व सी कर्व सीकर एंड देन यू कर। फॉक्स के केस में क्या है, फॉक्स के क्योंकि नाक और उसका जो जबड़ा होता है थोड़ा आगे की तरफ लंबा होता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। ओके एंड देन अगेन हमने अपोजिट यू कर लेना है, देन यू कर लेना है यहाँ पे यू कर एक और। अब यहां पर हम एक सर्कल बनाएंगे एंड देन अगेन एक सर्कल बनाएंगे हम सेम उसी तरीके से जिस तरह से हमने बियर में बनाया था। और यहां पर अब हम ए अल्फाबेट का यूज करेंगे क्योंकि जो उसकी कान की शेप होती है अपना फॉक्स की वो थोड़ी अलग होती है बियर की शेप से ऑफकोर्स। एंड देन अगेन ए कर्व, आप छोटा बड़ा बना सकते हैं, कार्टून में चलता है जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हमें हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाना होता, बहुत ज़्यादा सीरियस ड्राइंग नहीं करनी है क्योंकि अगर हम सीरियस ड्राइंग करने लग जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी और आप इसको इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपोजिट सी कर बना सकते हैं, देन एम बना सकते हैं, सी कर देन अगेन एम। और यहाँ पर आप ये कर्व हटा दें या तो ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट करना है तो यहाँ पे आप सी कर्व बनाएंगे अपोजिट सी कर्व एंड देन यहाँ पे भी सी कर्व और इसको एम में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे भी इसको एम में कन्वर्ट कर देंगे। मैनिपुलेशन आपके ऊपर है, आप डिपेंड करता है आप इसको कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। आपकी फॉक्स तैयार हो गई, फॉक्स का फेस तैयार हो गया। अब हम वही सब जो बियर में किया था हमने, बस हमें ध्यान रखना होगा बियर का पेट जो है थोड़ा सा मोटा होता है, फॉक्स का जो पेट है थोड़ा छोटा होता है, तो हमने फॉक्स के पेट के लिए हमने अपोजिट सीकर और बियर की तरह हमने उसे बहुत वाइड नहीं करना है पेट को, बहुत सिंपल सीधे से कर्व बनाने लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह। ये हो गया सीकर देन अपोजिट सीकर। अब दोबारा से हम यहाँ पे यू कर्व बनाएंगे, ये सभी में जाएगा ही जाएगा। ओके यहाँ पे आप इसको इससे जोड़ दीजिए, आप इसको इससे जोड़ सकते हो, ये भी अच्छा है राइट। और यहाँ पर आप दोबारा से आप चाहें तो वैसा ही बियर की तरह उसके हैंड्स बना सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा क्योंकि उसके हाथ पतले होते हैं या किसी और पोजिस में आप चाहते हो, तो यहाँ पर आप एल बना सकते हैं सीकर एंड देन अगेन सीकर एल बन गया। एल के बाद यहाँ पर आप फिर एक एम बनाएंगे, इसको जोड़ दीजिए, नो सीरियस ड्राइंग आई सेड, नो सीरियस ड्राइंग, आपको बस एम बनाना है और यहाँ से जोड़ देना है। अगेन दोबारा आप एल बनाएंगे और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। इसका हाथ थोड़ा सा पतला हो गया क्योंकि फॉक्स की फिजिक बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हम फॉक्स को फल्फी नहीं दिखाते हैं, इस वजह से फॉक्स के हाथ हम थोड़े से पतले दिखाएंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा आप हाथ ऐसे ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बनाना है अगर फिंगर तो बना सकते हैं, वरना आप दोबारा से वही कर सकते हैं जो हमने यहाँ किया। अगर लाइक W, यहाँ पे आपका ये W यूज़ हो सकता है, W यूज़ हो सकता है, जैसे यहाँ पे M हुआ था, तो आप W बना सकते हो, W बना के यहाँ पे जोड़ सकते हो। बस कार्टून्स में मैंने फिर बताया हम सीरियस ड्राइंग नहीं करते, अगर आप बिना देखे ये रिजल्ट भी निकालते हो तो आप एक कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट बन सकते हो राइट। अब यहाँ पे अगेन मैं यू कर्व डालूंगा, U बना दिया मैंने, ठीक है। अब U को आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, लाइक अपोजिट सीकर एंड देन U कर एंड देन सीकर। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। अब हमारा क्या काम आने वाला है यहाँ, राइट L। अब हम दोबारा से, मैंने बताया जैसे कि हर बार हम ये कर्व्स ही यूज कर रहे हैं, कौन सा कर्व आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अपोजिट सी कर्व आ रहा है, देन उसी के थोड़ा सा हमने नीचे यू कर्व से मिला दिया तो यू कर्व आ गया। आप इसको मिला दीजिए, ये इसका पैर बन गया। सेम मेथड से आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, यहाँ पे एल बनाएंगे देन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप इसको इससे मिला सकते हैं। ये हो गया फॉक्स आपका, अभी फॉक्स की
टेल रह गई है, फॉक्स की टेल जो होती है थोड़ी फल्फी होती है, बड़ी होती है और बहुत हद तक जो जो बहुत हेरी डॉग्स होते हैं उनकी तरह भी होती है। तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा काम जो आने वाला है ये एस कर्व काम आने वाला है, यहाँ पे हम एस बनाएंगे प्रॉपर एंड देन अगेन हम यहाँ पे एस बना के इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक डब्ल्यू बनाएंगे और यहाँ देखेंगे आप आपका जो फॉक्स है, आपकी फॉक्स है वो भी तैयार हो गई है। अब यही मेथड जो आपका है, बाकी सिर्फ फॉक्स की बात नहीं कर रहे हम, यही मेथड आपका बाकी सब चीज़ों में यूज होता है। अब आप अगर कोई बॉय बनाना चाहते हैं या कोई कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, लाइक आप कोई एडल्ट कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, कुछ भी कार्टून से बनाना चाहते हैं, तो आप उनको बना सकते हैं। लाइक दोबारा से मान लीजिए अब हमें बनाना है एक आदमी, राइट। तो जो आदमी हमने बनाना है हो गए, तो मैं एक क्विक ड्राइंग करूंगा आदमी की। जो आदमी आपको बनाना है अगेन अपोजिट सी एंड देन यू कर्व एंड देन अपोजिट यू कर्व। यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप गंजा दिखाना चाहते हो, बाल दिखाना चाहते हो तो आप मत बनाइए ऊपर, अगर आप दिखाना चाहते हो बाल दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ के लिए छोड़ दीजिए फिलहाल। अब यहाँ पे हम सी बनाएंगे टू मेक हिज ईयर्स एंड देन अगेन वी विल ड्रॉ अपोजिट सी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, एक हल्का सा कट दे दीजिए आप अपोजिट सी एंड सी से, इनके कान हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एम करना है, देन छोटा एम, फिर आप बड़ा एम बना सकते हैं, फिर आप छोटा कर सकते हैं देन बड़ा एम। यहाँ पे डब्ल्यू एंड देन अगेन डब्ल्यू, आप देखोगे इनके हेयर बन गए। यही तरीका है, आप रैंडमली किसी तरह एम और डब्ल्यू के कॉम्बिनेशन से कर्ली हेयर्स बना सकते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे इनको इनसे ज्वाइन कर दीजिए सर्कल। अब मान लीजिए हमने जो बनाया है अंकल को बना रहे हैं हम, तो इनको हम अगर एक्सप्रेशन यहाँ पे सभी के, अभी आपने देखे सभी के एक्सप्रेशन जो हैं बहुत खुश हैं। अब कोई और एक्सप्रेशन अगर हम बनाना चाहते हैं उसमें आईब्रोज का बहुत रोल आ जाता है। यहाँ पे आप बनाएंगे एल अपोजिट एल एंड देन एल, ओके यू से आप इसको ढक दीजिए एंड देन अगेन यू कर्व से आप इसको ढक दीजिए। आप देखोगे आंखों से पता लग जा रहा है कि उनका एक्सप्रेशन क्या है। यहाँ पर आप अपोजिट एल बना सकते हो, यू बना सकते हो नाक बनाने के लिए, जे बना सकते हो या फिर ऐसे भी बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको अपोजिट एल में ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, तो मैंने अपोजिट एल बनाया दो कर्व से, यू कर्व से एंड देन अपोजिट सी कर्व से। इनकी मूछे बना लेते हैं बड़ी बड़ी, ये इनकी मूछे बन गई, गुस्से में दिखा रहे। तो इस तरीके से फेस बन गया, आपने देखा इन्हीं सारी चीजों से फेस बना है। सेम वे में आपकी बॉडी भी बनेगी। आपको अगर थोड़ा मस्कुलर दिखाना है तो आप थोड़ा वी शेप में बॉडी बना सकते हो। सी को आप इस बार इस तरह से बनाएंगे अपोजिट सी को एंड देन अपोजिट सी अगेन, और यू कर्व बनाएंगे आप बिल्कुल जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर आप हाथों को मोटा बना सकते हैं इनके यू कर्व से एंड देन अगेन मोटे हाथ। छोटी सी लुंगी बना दो और देन एल कर एक्सटेंड एंड देन क्लोज, एल कर अपोजिट एल एक्सटेंड then close और लुंगी लुंगी नीचे, वही आपके कर्व्स बनेंगे तीन and then बीच में एक लाइन। थोड़े से चेस्ट पे बाल दिखा दो, ये देखिए ये आपका एक कैरेक्टर तैयार, ओके। सो आज की क्लास में यहीं तक। मैंने आपको बताया ये आपके हेल्पिंग अल्फाबेट्स है जिनके बेसिस पर केवल चार कर्व्स की या पांच कर्व्स की हेल्प से, कौन से कर्व्स, यू एंड देन अपोजिट यू,
U से बनता है आपका U curve and then opposite curve. इसी से C then opposite and S, S का S और इसका opposite भी आप बना सकते हैं. हालांकि इनका अभी बहुत ज़्यादा use नहीं मैंने आपको बताया है. तो आप फिलहाल चार याद में रखिए. U curve, opposite U, C curve and then opposite C. इसी से आपके बाकी alphabets भी बनते हैं और O से आपकी आंखें बननी हैं. बाकी ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, उसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉम्पिटिशन गाइस. ओके, बाय बाय.